नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कानपुर में पंडित होटल मॉल रोड में उत्तर प्रदेश के दवा व्यापारियों की संस्था केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश की जिला इकाई कानपुर केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें दवा व्यापारियों की संस्था के प्रदेश के महासचिव सुरेश गुप्ता ने कहा कि जो दवाएं केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित करते हुए बिक्री पर रोक लगाया गया है, उसके लिए सरकार को दवा व्यापारियों को थोड़ा समय देना चाहिए था, जिसमें कि लगभग 25 से 30 हजार करोड़ का स्टॉक देश के दवा व्यापारियों के पास है। इसके नुकसान की जिम्मेदारी आखिर किसकी है और ये राष्ट्र का नुकसान है। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि कल तक जो दवाएं अमृत के समान थी, अचानक आदेश आने के बाद जहर कैसे हो गई। इन दवाओं को डॉक्टर कल तक अपने पर्चे में लिख कर मरीजों को दे रहे थे और इससे मरीजों का लाभ भी हो रहा था। इसका केंद्र सरकार द्वारा कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। मेरा नाम सुरेश गुप्ता है, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश का मैं प्रदेश महासचिव हूँ। अभी मैं पिछले 3 दिनों से प्रदेश के विभिन्न जिलों के दौरे पे हूँ। उसका कारण यह है कि केंद्र सरकार ने 14 कॉम्बिनेशन ड्रग्स को बैन किया है। उसके लगभग 2.5 से 3 हजार ब्रांड है और पूरे देश में जो उसका स्टॉक है, बना हुआ माल है, करीब 25 से 30 हजार करोड़ है। हमारा ये कहना है कि जो स्टॉक है उसको निस्तारण तक सरकार को, दवा व्यवसायियों को समय देना चाहिए, जो कम से कम 60 दिन। वहीं रायबरेली में कोर्ट के आदेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन आखिर जाग गया। बता दें कि मृतक युवक के शव को पुलिस ने कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला उचाहार कोतवाली क्षेत्र के कल्याणी घाट के पास का है, जहां छत्तीसगढ़ के रहने वाले बैठमाल मजदूरी के लिए भट्टा मालिक राजेंद्र सिंह के यहाँ आए हुए थे, जहां भट्टा में काम करने वाले मजदूर बैठमाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद में मृतक मजदूर की पत्नी संतोबाई ने अपने पति का शव मांगा तो भट्टा मालिक ने मजदूर की पत्नी को वहां से भगा दिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने कोर्ट का सहारा लिया। अदालत ने भट्टा मालिक राजेंद्र सिंह सहित 6 लोगों के विरुद्ध अपहरण कर हत्या करने का मुकदमा दर्ज करने का आदेश देते हुए शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराकर रिपोर्ट न्यायालय को सौंपने का आदेश दिया था। वहीं रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे लाइन के किनारे अज्ञात युवक का छत विछत शव मिला। सबके सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। मामला उचाहार कोतवाली क्षेत्र के उत्तरगत नयनपुर गांव के पास का है, जहां सुबह एक अज्ञात युवक का शव रेलवे लाइन के किनारे मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक युवक के शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस और RPF की टीम ने शव को कब्जे में लेकर युवक की शिनाख्त करने का प्रयास शुरू कर दिया है। OBC समाज के जनप्रतिनिधि सम्मेलन में प्रतिभाग करते हुए नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट और OBC मोर्चा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में सम्मेलन का आयोजन किया गया। OBC के लोगों को सांसद अजय भट्ट ने सम्मेलन के दौरान टिप्स दिए। उन्होंने प्रेस से वार्ता करते हुए कहा कि इस समय पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चला रहा है। इस समय हम सभी से संपर्क कर रहे हैं, आज यहाँ OBC के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि वोट लेते समय लोग तरह तरह के उलाहने देते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब मोदी जी आए तो OBC आयोग का गठन किया गया, बहुत सारी सुविधाएं OBC लोगों को दी गई। इस समय आप पूरे देश में देख रहे हैं महासंपर्क जन अभियान चल रहा है। इस समय हम हर एक से संपर्क कर रहे हैं। आज हमारा यहाँ पर OBC मोर्चे के लोगों से, OBC के लोगों से, जितने भी लोग हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि वोट लेते समय तो लोग बाग तरह तरह के उलाहने देते हैं, कहते हैं हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। उत्तराखंड में सुपरटेक ग्रुप के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। 300 करोड़ के कर्ज न चुकाने पर बैंक ने नोटिस चिपका दिया है। हरिद्वार के सिडकुल स्थित पेंटागन मॉल की दुकानों पर बैंक ने नोटिस लगाए, जिससे दुकानदारों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। साथ ही कहा गया कि अगर 15 दिन में कर्ज नहीं चुकाया गया तो बड़ी कार्रवाई होगी। बता दें कि बैंक के करीब 300 करोड़ रुपए का कर्ज है।
पेंटागन मॉल पर नोटिस के बाद दुकानदार भी चिंतित हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन अंबावता द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन और चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता सहित देश भर से भारतीय किसान यूनियन से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए। उद्घाटन कार्यक्रम में चौधरी ऋषिपाल अंबावता ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया, तो वहीं महिला पहलवानों के आंदोलन को लेकर कहा कि हम महिला पहलवानों के साथ खड़े हैं, मगर खाप पंचायतों में सरकारी दलाल घुसे हुए हैं, नहीं तो इसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। 3 दिन का चिंतन शिविर है, यहाँ मेरे ख्याल में 20 राज्यों से लोग यहाँ आए हैं, और जो ये चिंतन शिविर है ये है कि जो किसान के साथ भेदभाव की नीतियाँ सरकार कर रही हैं, उसके लिए आंदोलन की रणनीति तय करना, उसके लिए आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। सबसे पवित्र स्थान है। एक और सरकार की मोटर मार्गों के लिए विभिन्न स्वर्णिम योजनाएं चल रही हैं, तो वहीं देश आज भी न जाने कितने गांव मोटर मार्ग की सुविधाओं से वंचित चल रहे हैं। यहां हम इस बात को पुख्ता रूप से इसलिए कह रहे हैं कि चमोली के कर्णप्रयाग विधानसभा और विकास खंड गैरसन का एक गांव गिरतौली, और जैसे कि यहाँ के गाँव के लोगों ने बताया कि उनका गाँव अम्बेडकर ग्राम है, लेकिन उनके गाँव के चारों ओर गाँव सड़क मार्ग से जुड़े रखे, लेकिन उन अनेक वर्ष से चल रही मोटर मार्ग की मांग को हमेशा अनदेखा किया जाता है। आज मोटर मार्ग से वंचित अंबेडकर ग्राम गिरतौली की महिला मंगल दल और ग्रामीणों ने गांव में सांकेतिक रूप से जुलूस निकाला और धरना देकर पुनः मोटर मार्ग की मांग की है। ये बात पे पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि इस जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं, आए हुए हैं, हमें कोई भी चीज़ की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है। हमारे गांव में जो भी नेता आते हैं बोर्ड लेके जाते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिस दिन वो बोर्ड लेने के लिए आते हैं, दावा ठोक के चले जाते हैं कि लेकिन हमारे गाँव में रोड आएगी, सबका सोल्यूशन करेंगे, लेकिन कोई भी नेता उसके बाद देखने तक की नहीं आता है यहाँ पे। ग्राम पंचायत बड़ा गांव का कोरियनपुरा मोहल्ला में यूपी किसान कांग्रेस के बैनर तले विशाल किसान पंचायत हुई, जिसमें समस्याओं को लेकर किसान खूब गरजे, जिम्मेदारों की खड़ी खोटी सुनाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। पंचायत में मुख्य रूप से बिजली, पानी, आवास, पेंशन, रोड जैसी भीषण समस्याओं को लेकर पंचायत में चिंतन मंथन हुआ। चिंतन मंथन के दौरान आंदोलन की रणनीति बनाई गई। बताते चले कि बड़गांव का कोरियनपुरा मोहल्ला, जिसकी आबादी 200 है, जो सरकारी योजनाओं से कोसों दूर है, 8 साल पहले सूखा राहत योजना के अंतर्गत गांव में विद्युतकरण कराया गया था। खंभे लगे हैं, तार लगे हैं, ट्रांसफार्मर भी है, लेकिन 200 की आबादी आज भी इस डिजिटल युग में अंधेरे में गरीबी, मुफलिसी, खेती किसान करके, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले गरीब तबके के लोग आज भी अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। इस डिजिटल युग में गाँव में खंभे और तार, साथ ही ट्रांसफार्मर तो लगाए गए, लेकिन घरों में आज तक बल्ब नहीं जल सका। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि हम गरीबों का भी जीने का अधिकार है। आज हम लोगों को इस गांव में एक भी सरकारी आवास, स्वच्छ शौचालय, वृद्धा पेंशन योजना, बिजली जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर अज्ञात वाहन ने एक बैल बुग्गी को टक्कर मार दी, जिससे बुग्गी सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर परिजनों के आग्रह के बाद उन्हें सौंप दिया। गोंडा में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर कैसरगंज संसदीय क्षेत्र में भाजपा की एक बड़ी रैली आयोजित की गई। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए यह रैली आयोजित की गई, और इस कार्यक्रम को बलपुरा बाजार के पास एक निजी महाविद्यालय में आयोजित किया गया। 9 साल बेमिसाल इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री का डॉक्टर मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी रैली में शामिल हुए। महिला पहलवानों द्वारा लग रहे यौन शोषण के आरोपों के बीच ये रैली अहम मानी जा रही है, और सरकार की उपलब्धियां गिनाने के बहाने ब्रजभूषण सिंह ने
अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। सांसद ब्रजभूषण रोड शो करते हुए रैली स्थल पर पहुंचे और लोगों को अभिवादन किया और वहां मंत्री मोहन यादव का भी स्वागत सम्मान किया। मंच से मंत्री मोहन यादव ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। मोहन यादव ने मंच से कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में देश के विकास का कार्य ठप रहा है। अटल जी ने देश को सड़कों से जोड़ा तो मोदी जी ने जरूरतमंद को आवास दिया। अब जो पैसा सरकार से आता है वो सीधे लाभार्थियों के खाते में जाता है और अब बिचौलियों का काम खत्म हो गया है। सरकार ने भव्य राम मंदिर बनाया तो वहीं विकास के नए आयाम भी जोड़े हैं। गम और कभी जहर किया जाता है, जब कभी जाके जमाने में किया जाता है, ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहे या सोहरा पत्नी, इसको रुसवाई कहे कि सोहरा पत्नी। ऋषिकेश में गंगा में नहा रहे दिल्ली के 5 पर्यटक पानी के तेज बहाव में आकर डूबने लगे। इसी बीच SDRF की टीम अचानक फरिश्ता बनकर सामने आ गई और गंगा में काफी आगे तक बह चुके 4 पर्यटकों को कड़ी मुशक्कत के बाद पानी से सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि बचाए गए पर्यटकों का एक साथ ही गहरे पानी में लापता हो गया। बताया जा रहा है कि SDRF के जवान रविवार सुबह ब्रह्मपुरी गंगा में डूबे महाराष्ट्र के एक पर्यटक की खोजबीन करते हुए त्रिवेणी घाट की ओर आ रहे थे। इसी बीच दिल्ली के पर्यटक गंगा में डूबते नजर आए। टीम ने तत्काल रेस्क्यू कर 4 पर्यटकों को बचा लिया, जबकि एक अन्य साथी अभिषेक अभी लापता है। वहीं हरदोई में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। भीषण गर्मी के कारण लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में डुबके रहते हैं। वहीं खीरा और गन्ने की बिक्री भी बढ़ गई है। रविवार को हरदोई का पारा 41 के पार पहुंच गया है। हरदोई वासियों को गर्मी और लू वाली लपेट से निजात मिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्व में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिन से लगातार गर्मी बढ़ रही है। आज की अगर बात करें तो मैंने भी मोबाइल में देखा था 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच गया है और ये अभी शुरुआत है और 1-2 घंटे में और बढ़ेगा। ये कुछ ना कुछ चाहिए होता है, या तो लोग ठंडा पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, पना पी रहे हैं। और इस समय मैं ये खीरा की दुकान पे यहाँ पर ठेला लगा है, यहाँ पर हूँ और खीरा खाऊंगा क्योंकि इस ये खाने से प्यास नहीं लगती है। अलीगढ़ में तैनात मुख्य आरक्षी ने फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। मुख्य आरक्षी के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस के अनुसार पारिवारिक कलह के मौत का कारण बताया जा रहा है। मृतक की पत्नी से अनबन हुई थी। पत्नी अपने मायके आगरा गई हुई थी। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी के इलाके के सुरक्षा विहार कॉलोनी का है। मौरानीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाला कस्बा रानीपुर के मुख्य बाजार में पुराने स्टैंड बैंक के पास ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जिसमें लगे हुए बिजली के तार केबल से बाहर आ गए हैं। वर्तमान समय में बढ़ रहे तापमान और बिजली के ओवरलोड के चलते केबल के पिघल जाने से केबल के अंदर रहने वाला बिजली तार बाहर आ गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अनहोनी की आशंका लोगों के मन में बनी हुई है। पूरे दिन सड़कों से लोगों का निकलना होता है। बिजली तार कई दिनों से लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। स्थानीय लोगों ने बिजली तारों को केबल के अंदर किए जाने की मांग की है। झांसी में पेड़ काट रहे व्यक्ति का अचानक मशीन के अनियंत्रित होने पर उसका पैर मशीन की चपेट में आ गया। मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा घटना की जानकारी 108 एम्बुलेंस को दी गई। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के घायल को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर नजीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अज्ञात बिना नंबर प्लेट की कार ने महिला को टक्कर मार दी, जिसके बाद राहगीरों ने गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए हैलट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। वहीं महिला के पुत्र ने कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगाते हुए रोड दुर्घटना को एक साजिश के तहत हत्या बताया था,
जब पुलिस ने सारा राज जानने की कोशिश की तो हत्या का कारण पता चला। मृतक महिला के पुत्र ने बताया कि मृतक का जैन जयवती पत्नी राम बहादुर मरियमपुर अस्पताल के बाहर जूस का ठेला लगाती थी और परिवार पालती थी और बगल में आरोपी मनोज कुमार भी ठेला लगाता था। जगह के बदलने से महिला वसूली करने लगा। कुछ दिनों तक महिला ने आरोपी को पैसे दिए जिसके बाद पैसे देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर मनोज और महिला में मनमुटाव हो गया था। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी मनोज ने बताया कि महिला उस जगह के लिए पहले 2000 रुपये देती थी, उसने पैसे देने से उसके बाद मना कर दिया, जिसके बाद उसने अपने दोस्त महेश को 50,000 का लालच देकर महिला को रास्ते से हटा दिया, जिसमें कुल 4 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। देखिए, घटना ये 8 तारीख के 10:30 से 11 के बीच की घटना है। एक एक्सीडेंट की सूचना पे हमारी पुलिस नजीराबाद थाना गया था, जिसमें जयवंती देवी थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था और एक स्विफ्ट गाड़ी के द्वारा बताया गया था ये एक्सीडेंट हुआ। उनके बेटे की तरफ से जब हम लोगों ने उनकी जब हॉस्पिटल में गई तो उनका इलाज चल रहा था, दौरान इलाज उनकी डेथ हो गई थी। बाद में उनके बेटे की तरफ से एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने कई मनोज के ऊपर उन्होंने ये बताया कि मनोज ही इसका मास्टर प्लानर है और इसने ही हत्या कराई है। शुरू में चूंकि एक्सीडेंट का हमें इंसिडेंट मिला था, जुलाई महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर SSP श्वेता चौबे ने नीलकंठ पैदल मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और संबंधित विभागों से बात करने के निर्देश दिए। जुलाई महीने के पहले सप्ताह में शुरू हो रही सावन महीने की कांवड़ यात्रा को लेकर SSP श्वेता चौबे ने अभी से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास शुरू कर दिया है। SSP ने नीलकंठ पैदल मार्ग पर लक्ष्मण झूला से लेकर नीलकंठ तक पैदल निरीक्षण किया। इस दौरान 3 अस्थायी चौकियां पैदल मार्ग पर खोलने के निर्देश भी दिए। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में चरस के साथ जिला बदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। चरस तस्कर के पास से लगभग 480 ग्राम चरस बरामद हुआ। तस्कर कानपुर के चमनगंज का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहा था। चेकिंग के दौरान आरोपी पकड़ा गया। ये थाना पनकी पुलिस टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति है जिसका नाम सीमो उर्फ मोइनुद्दीन है, जो थाना चमनगंज क्षेत्र से जिला बदर भी है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके पास से 480 ग्राम चरस, 2 मोबाइल आदि बरामद हुए हैं। पुलिस के द्वारा इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाए। बांदा में घर से मॉर्निंग वॉक पर निकले छात्र को अनियंत्रित डंपर ने रौंद दिया, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। सुबह घर से दोस्तों के साथ छात्र घूमने के लिए निकला था। घटना के बाद डंपर लेकर मौके से फरार हो गया। घटना से परिजनों का रो कर बुरा हाल है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर शव रख कर जाम लगा दिया। आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा लगाए जाए गए जाम के चलते घंटों मार्ग बाधित रहा। सूचना पर SDM बैबरू पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। घंटों की जद्दोजहद के बाद SDM ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझा कर जाम को खुलवाया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।